चलिए अब पांच के पंच की दूसरी खबर की बात करते हैं, तो हुई मुलाकात और बंटवारे की बात। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रियों के विभाग का आवंटन पर फैसला हो सकता है। तो आपको बता दें, यहाँ पर मंत्रियों के विभाग के आवंटन को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में सस्पेंस जारी है, जहाँ पर मंत्रियों ने शपथ तो ली है लेकिन उनके अभी तक विभागों का आवंटन नहीं हो पाया है, जिसे लेकर लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आलाकमान से बात कर रहे हैं, हाईकमान से उनकी बातचीत हो रही है, लगातार वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिल रहे हैं और लगातार बंटवारे की बात हो रही है कि किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन किस विभाग में अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि नए चेहरे भी हैं इस बार मंत्रिमंडल में, तो नए चेहरों पर कौन से विभाग में वो काम कर पाएंगे, किसमें किसकी अच्छी पकड़ है, क्षेत्रवार भी देखा जाएगा। तो ऐसे में समय लग रहा है मध्य प्रदेश में अभी तक विभागों के बंटवारे में। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे कि मंत्रियों ने शपथ तो ले ली है मध्य प्रदेश में, लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर के अटकलें लगातार जारी है, क्योंकि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है और लगातार आलाकमान से मुख्यमंत्री की मुलाकात होती जा रही है। तो आखिर क्या कुछ निकल के सामने आएगा, कहां ये पेच फंस रही है? देखिए, बिल्कुल मुलाकातों का दौर जारी है। सीएम की बात करें, दिल्ली दौरे पर बने हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल के लिए जिस तरीके से पोर्टफोलियो का विस्तार होना है उसको लेकर चर्चा होती हुई नजर आई, और उसके साथ साथ सीधे तौर पर बात करते हैं तो आज मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण है, वो भी जो है गृह मंत्री अमित शाह को मोहन यादव जो है देते हुए नजर आए। लेकिन हमने देखा किस तरीके से पहले सरकार बनी, सरकार बनने के बाद लगभग 13 दिन तक मंथन चलता रहा, उसके बाद एक मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, 28 चेहरे शामिल किए गए जिसमें कई बड़े चेहरे देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, जिसमें केंद्र में रहे हुए मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल की बात की जाए या फिर अन्य जो नेताओं की बात की जाए, कई सांसद देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें पोर्टफोलियो का जो है आवंटन किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आए, क्योंकि कई अहम पोर्टफोलियो होते हैं जिसमें गृह मंत्री मंत्रालय की बात की जाए, इसके अलावा वित्त मंत्रालय की बात की जाए, ऐसे तमाम पोर्टफोलियो वो किसको देते हुए जो है नजर आए, इसी को लेकर लगातार मंथन जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मोहन यादव भी लगातार दिल्ली दौरे पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी स्पर्श, एक चीज और जानना चाहूंगी कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, तो ऐसे में क्या नए चेहरों को लेकर अटकलें हैं, क्योंकि वो पहली बार काम करने जा रहे हैं मंत्रिमंडल में, तो उन्हें कौन सा विभाग दिया जाए, जो कि पुराने मंत्री हैं उन्हें किस तरीके का विभाग दिया जाए, क्या यहाँ पर फंसी हुई है बात? देखिए, बिल्कुल लिस्ट जो है तैयार हो जाती है, लेकिन आलाकमान की हरी झंडी कब मिलती हुई नजर आएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि किस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश होती हुई जो है नजर आई मध्य प्रदेश में, जब मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ नजर आया, जहां पर पुराने और नए चेहरे जो है दोनों देखने को मिलते हुए नजर आए, एक्सपीरियंस चेहरे कई देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, इसके अलावा प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय समेत ऐसे कई नाम है जो कि एक्सपीरियंस चेहरों के तौर पर जो है देखे जाते हैं। और उसके साथ साथ तमाम समीकरण साधे गए, जातिगत समीकरण, इसके साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण साधे गए, लेकिन अब चूंकि पोर्टफोलियो का विस्तार होना है और सरकार किस तरीके से चलती हुई नजर आएगी, सरकार ने कई अहम वादे जो है किए हैं सरकार बनाने से पहले, बीजेपी की साफ तौर पर बात करें तो पोर्टफोलियो विस्तार जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तमाम नेताओं को साधना है, और इसीलिए जो है लगातार जो है इसमें समय लगता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस पर इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से बता दें, लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि मंत्रिमंडल के शपथ के बाद अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है, विभागों के बंटवारे को लेकर लगातार विचार मंथन हाईकमान के सामने जारी है। ऐसे में पीएम और सीएम की लगातार मुलाकात हो रही है, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है, दिल्ली दौरे पर लगातार सीएम रह रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर सीएम मोहन यादव लगातार आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं, विभागों के बंटवारे को लेकर अभी तक यहाँ पर सस्पेंस जारी है।